पुरुषानु कर दिए याद दुनिया जने खने दा रहिंदा नहीं नाम जगते ओ कई नेकियां खटते लद जांदे कई सदा ही रहे बदनाम जगते ओ कई बीज के थोरदा बीज इत्थे ते पाल दे गरीब बदाम जगते तूफान बिले अणख हो जाए जीती नलाम जगते अणख हो जाए जीती नलाम जगते करके नदर सवली दाता करके नदर सवली सेवकानू तार दे दाता करके नदर सवली सेवकानू तार दे खाली मोड़ी ना पा दे मेहर दी नजर साडा दिल तोड़ी ना तेरे दर दे सुवली दाता खाली मोड़ी ना पा दे मेहर दी नजर साडा दिल तोड़ी ना आए दर ते दासन माने ते दासन माने चरना दा प्यार दे दाता करके नदर सवली सेवकानू तार दे दाता करके नदर सवली सेवकानू तार दे झोली पर दो साडा जन्म मनुखा सब ला बना दो नाम बाणी दिया दाता साडी
पा दियो साडा जन्म मनुखा सफ ला बना दियो ओ तपदे सड़दे हिरदियां ताई तपदे सड़दे हिरदियां ताई बाणी संग ठार दे उताता करके नदरस वल्ली सेवकानू तार दे दाता करके नदरस वल्ली सेवकानू तार दे देस दरियुते हां दुख दर्द सुनाया जांदा ए जगाया जांदा ए तेरे दर तो अनेका दाता पापी तर गए कौटे रख सक साई सद नेजी वर गे तेरे दर तो ने का दाता पापी तर गे कौटे रख सक साई सद नेजी वर गे जीदे शब्द बाणी दा लाया जीदे शब्द बाणी दा लाया उस दी होमे मार दे उताता करके नदर सवली सेवकानू तार दे दाता करके नदर सवली सेवकानू तार दे रथ गुरु जी करे गुंगा भी अर्थ तारे हाथ गुरु जी तेरे दर का दा काटा सम रथ गुरु जी करे गुंगा भी अर्थ तारे हाथ गुरु जी तेरी मिठी बाणी रहिंदे तेरी मिठी बाणी रहिंदे मुख जो चार दे उताता करके नदर सवली सेवकानू तार दे उताता करके नदर सवली सेवकानू तार दे बदल नुहार दे उतार
माता करके नदर सवली सेवकानू तार दे दाता करके नदर सवली सेवकानू तार दे दाता करके नदर सवली सेवकानू तार दे पतत पावन भगत वशल सदा थिर रहन वाली हस्ती श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब जी की पावन पवित्र नूरी हजूरी विच सुभायमान शिशोवत और बैठे हुए सरवत माई भाई वीर बुजुर्ग और मेरे कौम का उज्ज्वल भविख महान विरसा सन्मान योग प्यारे प्यारे बच्चे तुसी जिन्हें भी गुरु की हाजिरी विच गुरु का स्वरूप गुरसंगत बन के बैठे हो सारे एक बारी अपने अंतःकरण शुद्ध करके मन और विरति नूं एकागर करके शब्द नूं गुरु मन के ते सुरत नूं शब्द दी चेला बना के गुर की मूरत मन में ध्यान गुर का शब्द मंत्र मन मान शाहे शहनशाह सरवंसदानी शमशेरे बहादुर गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी का खालसे पंथ नूं बख्शिश कीता होया फतेह दा नारा एक बारी बुलंद करियो मेरी हाजरी करियो प्रवान गज के आखियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सार कतावली दा करता कहिंदा इंद बिना ज्यों मंद निस ध्यान देना इंद बिना ज्यो मंद निस मंद कंज बिन ताल जीव मंद ते धर्म बिन तां ते धर्म ना टाल इंद बिना जिवें इंद्र दा खाड़ा इंद्र तो बिना सोहना नहीं लगता पुन्या दी रात चंद्रमा तो बिना सोहनी नहीं लगती कंठ सुरताल तो बिना गाउण वाली भैन बीबी का खाड़ा बसदा नहीं ते एवें जिवें जिहड़ा जीव है जिहड़ा प्राणी है जिहड़ा मनुख है इहदे विच जिन्ना चिर धर्म की कणी ना होवे जिन्ना चिर सेवा का भाव ना होवे उन्ना चिर चंगा नहीं लगता सोहना नहीं लगता। आपां ब्रह्म ज्ञानी मैं ब्रह्म ज्ञानी का शब्द पढ़िया बाबा सचन सच दी याद विच आपां जुड़ के बैठे हुए हैं उन्हां दी वरसी है वरसी तो भाव छे महीनों का है ते आपां एक साल तो कतर होने ब्रह्म ज्ञानी की डिग्री तक पहुंचन लगे ने उन्हें किन्नी सेवा की। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर परमेश्वर का रूप होन लग्या उन्हें किन्ना टाइम लग्या ए तीन चार डिग्रियां ने। गुरु की संगत मेरिया सत्कारी योग धियां मेरिया भैन मेरिया बच्चिया मेरिया मातावान मेरे वीर बुजुर्ग जिन्हें बैठे ने बड़े सूझवान ने डिग्रिया ने ब्रह्म ज्ञानी तो पहला दो तीन डिग्रिया पास करनिया पैंदियां है। सब तो पहला तत्व ज्ञानी
जिन्हें पांच तत्तां दे पूतले नूं सियान लिया, इहदे चों पांच तत्त प्रगट कर ले उहनूं तत्त विज्ञानी कहिंदे ने। इस तो बाद फिर आत्मक ज्ञानी, जिवें जिवें साफ शब्दां विच इक गल कह लवां कि गुरु की बाणी जिहड़ी है सिख जगत की आत्मा है, ते जिहड़ा इतिहास है ये सिख जगत का वजूद है। आवाज घटायो थोड़ी जी, बिसला रहे। जिहड़ी गुरबाणी है सिख जगत की आत्मा है, ते जिहड़ा इतिहास है सिख जगत का वजूद है। हुण दोवां दा संबंध इदां है, ना वजूद तो बिना आत्मा टिकदी है ते ना आत्मा तो बिना शरीर वजूद तुरदा है। आत्मक ज्ञानी जिन्हें आत्मा नूं पाया, आत्मा ते परमात्मा, बहुत सारे बंदयां नूं जे किसे नूं कहीए ना भी अमृत छक लै, वह पता की जवाब दिंदा है? वह कहिंदा छड्डो जी, गहां छकांगे गहां। खैर मैं इहदा विश्लेषण नहीं करूँगा, मैं एक गल कहण दी जतन करदा, जरा समझियो। जिहड़े बंदे दी आत्मा अमर नहीं, जिहड़े नूं कहीए अमृत छक लो, कहिंदा आत्मा परमात्मा नाल मिल जानी है ते शरीर इत्थे रह जाना है, माफ करियो, आत्मा परमात्मा नाल उस बंदे दी मिलेगी जिहदी आत्मा अमर होवेगी। ए गल दा ध्यान रखियो जरा, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीण नाल आत्मा अमर हुंदी है, आत्मा जिउंदी है, आत्मा बलवान हुंदी है। ते जिहड़े बंदे दी आत्मा नहीं ना, आ जिहड़े चेले ढोलकियां वजा के छैणे वजा के लोकां नूं लुटदे ने, तेरे घरे किकर लगी है, किकर दे उत्ते चुड़ेल रहिंदी है, तेरे घरे जंड है, जंड दे उत्ते खेत पाल रहिंदा, उहनूं पुछे वी तैनूं किवें दिंदा है, जे उहदे ते सवाल कर दीए तैनूं किवें दिंदा, तेरे जपान दीआं ऐनकां लगियां ने, उह जिहदे घरे लग्गिया है बूटा उहनूं तां कदे दिसिया नहीं। खैर आत्मा, आत्मक ज्ञानी जिहड़ा बंदे ने आत्मा नूं पा लिया, आत्मा नूं अमर कर लिया, वह है आत्मक ज्ञानी। पहला तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञानी तो बाद आत्मक ज्ञानी, जो आत्मा परमात्मा दे नाल मेल कर जाए तो फिर है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। महेश्वर है ना जिहड़ा, महेश्वर शब्द गुरबाणी विच गुरु अर्जन साहब जी ने वरत्या, महेश्वर नाम शिव जी दा है, ध्यान रखियो। शिव जी नूं ना ते तत्व ज्ञानी दी डिग्री मिली, ना उहनूं आत्मक ज्ञानी दी डिग्री मिली, ते ब्रह्म ज्ञानी तो बनना ही कित्थों सी? मेरा फैसला नहीं, ये तन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह दा है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा सचन सच जी परमात्मा दा रूप हो गया, ते होया किवें? एक सेवा करके, एक सिमरन करके। जे उहदे विच सेवा दा भाव सी, इतिहास इत्थों तक गल कहिंदा है कि जिन्हें लंगर दे बर्तन हुंदे सी उह कड़ाहे विच पाउंदा, जदों कहते दूसरी थां पड़ा हुंदा गुरु कहिंदा उत्थे इकल्ले ही चक के लै जांदा कड़ाहे च पा के, जिन्हें बर्तन हुंदे, एडा वड्डा बलवान सी, तां ही उहनूं मल कहिंदे। इतिहास बड़ा लंबा। मैं धनवादी हाँ बाबा जरनैल सिंह साहब, सरदार बसंत सिंह साहब, सरदार मैल सिंह साहब तथा
सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं ऋणी हाँ धनवादी हाँ जिन्होंने सेवकों टाइम दे के निवाजिया है। तो मैं कविता एक कह के थोड़े को खिमा मंग लेनी है। चढ़ी प्रभात ने कहा प्रभात ताई आने वाली प्रभात का पता कोई नहीं इत्थे आ जाओ हुण। चढ़ी प्रभात ने कहा प्रभात ताई आने वाली प्रभात का पता कोई नहीं कहा समय ने समय दी वेख किस्मत आने वाली आफात का पता कोई नहीं बनी बात नूं वेखना बड़ कबालम कदों बिगड़ जे बात का पता कोई। आपां मना रहे हैं सच न सच जी की वरसी उन्हूं याद कर रहे हैं। एक साल तो बाद मैं वेदांत पढ़िया है ते वेदांत विच एक श्लोक आया एक लख योधा त्रै गुणे रथा अच्युत अचनागा बदंती व पुष्पा मुनियम इति वार्ता। ये एक शूनी की गिनती है ध्यान रखियो। बड़े विद्वान सज्जन मेरे सामने बैठे हुए ने और गुरु की संगत मेरिया धियां ते मेरिया बच्चियां पढ़िया लिखिया बैठिया ने। एक लख योधा त्रै गुणे रथा अच्युत अचनागा बदंती व पुष्पा मुनियम इति वार्ता। मैं ये गल कह लगे वरसी किन्हां दी मनाई जाती है जिन्होंने कौम बदले देश बदले अपने बदले लोकां बदले कुछ कीता हुंदा ना उहदी वरसी मनाउंदे ने लोक। मैं गल कर रहा सी महाभारत दे युद्ध विच महाभारत दे युद्ध विच 48 करोड़ 67,32,000 ते 600 बंदा मर गया जी। ध्यान देना 18 अकशूनी दल खत्म हो गया ते रौला की सी 5 पिंडां दा पानीपत दा सोनीपत दा करनाल दा कुरक्षेत्र दा ते अंबाले दा। अखीर गल इथों तई आई कि तुसी ते 5 पिंड मंगदे हो ना। मैं जे सूई जमीन ते मूह वाले पास्यों खड़ी कर दिया ना जिनी जमीन ओदे सूई दे मूह थले आ जाए मैं इन्नी भी जमीन पांडवों नूं नहीं दिंदा। बिना सकाले बपरहीत बुद्धे अंक बना बाश भोगत। गुरु के साहबजादे नीवां विच चिणे गए क्यों बुद्धि माड़ी हो गई गुरु दे उत्ते कष्ट आए नंगे पैरी किले नूं छड्डिया 2 पुत्र किते शहीद कराए 2 किते कराए क्यों क्योंकि बुद्धि माड़ी। संस्कृत दा करता कहिंदा विनाश काले बपरहीत बुद्धे। जदों बुद्धि माड़ी हो जाए ना उदों 2 राजिआं दा यंग लगदा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5 ਪਿੰਡ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ 48,67,32,600 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਥੀ ਅਤੀ ਰਥੀ ਮਹਾਰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਯੋਧੇ ਮਹਾਯੋਧੇ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬੈਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਲੋਟ ਭਾਬੀ ਅੰਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਭਾਬੀ। ਚਕਾਬੂਜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ
कंध नाल टक्कर वजी ना द्रौपदी हसी उन्हें आखे अन्ने प्यो दा अन्ना पुत। दुर्योधन कहिंदा द्रौपदी दसांगा फिर अन्ने प्यो दा अन्ना पुत बन के दिखावांगा। फिर किन्ने बंदे मर गए ज्ञानी विज्ञानी सब ये दुनिया तो चल गए पर उन्हां दा कोई मजान नहीं है उन्हां दा कोई अर्थ नहीं है। खैर मैं तुहाडे नाल कविता सांझी करां भलिया पुरशां दीआं यादां दुनिया ते रहणगीआं। मैं एक गल ना बहुत वारी चितारी है संताली दे रौले नूं बहुत माड़ा गिणीदा है। ध्यान रखियो जिहड़े संताली दे चक्कर विच आए पंजाब दा 3 लाख बंदा बुढ़ी मर गए घरों बेघर हो गए। मेरे मान अते सत्कारी योग मेरे नगर तो सरदार करनैल सिंह साहब जी मेरे गुआंढी भी ने घर दे भी और मेरे नगर दे भी ने उन्हां वल्लों बहुत सारी माया बहुत सारे सत्कारी योग कमेटी के सज्जन जिहड़े बैठे उन्हां वल्लों 100-100 रुपया 50-50 रुपये मेरिया धियां बच्चिया भैणा वालों बहुत सारी माया गुरु की संगत वालों अथाह प्यार। मैं तो एक ही अरदास करा हे बाबा सचन सच कृपा रखी जिन्हां खजानों चो माया आई है ना वह खजानों को कदे तोट ना आवे तेरे होंगे कौलगढ़ के गुआंढी भी उन्होंने वालों भी बहुत सारी माया आई जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कृपा करे मैं गल कर रहा सी कि अर्जुन पांडव की वरसी किते नहीं मनाई किते दुर्योधन की वरसी किते नहीं मनाई भीष्म पितामा नू किते किसे ने याद नहीं करिया पर जो याद करिया जांदा ना उदो सच न सच जी नू याद किया जांदा। एक साल तो बाद मेरे मान ते सन्मान दे योग सरदार बलविंदर सिंह साहब जी नथोवाल तो उन्हां वल्लों 100 रुपया बतौरे आशीर्वाद ये सारी तुहाडी आशीर्वाद है जी। मैं ते गुरु दा धन्नवाद करदा हां मैं ते उस गुरु दा देणदार हां। 28 मार्च नूं जदों हार्ट दा दौरा पिया सी उदों पता नहीं सी लगदा जदों मैं बिल्कुल बेहोशी दे आलम विच सी पर तुहाडियां अरदासां तुहाडियां आशीर्वादां आ मैनू फिर स्टेज ते लैके आईआं। मैं तुहाडा ऋणी हाँ मैं तुहाडा धन्नवादी हाँ जिन्हां ने मेरी खातर अरदासां कीतियां बहुत बहुत धन्नवाद। लै जरा सचन सच जी नूं गुरु अमरदास महाराज साहब जी ने एक मंजी दित्ती मंजी हुण जिहड़ियां नूं इतिहास का पता नहीं वह आखणगे पैण वास्ते सौण वास्ते ना पैण वास्ते ना सौण वास्ते मंजी दित्ती गुरु नानक देव जी दे जीवन का प्रचार करन वास्ते 22 मंजियां दित्तियां ते 22 मंजियां दे विच एक गुरु अमरदास महाराज साहब जी ने इस सचन सच जी नूं एक मंजी ते स्थापित किया। लो मैं तुहाडी सेवा च कविता पढ़ा भलिया पुरशां दीआं यादां मैं उह गल विच छड्ड गया मैं गल पूरी करा। 47 नूं बड़ा माड़ा गिणदे आ नुकसान बहुत हो गया इधरों उजड़ के उधर चले गए उधरों उजड़ के इधर आ गए पर मैं इस नूं बड़ा वधिया समझदा। हुण तुसीं आखोगे वी वाह भाई वाह शाबाश तेरे उजड़ गए लोग मर गए लोग परिवार बिछड़ गए लोगों के तू चंगा किवें समझदा है। जे कते हलाना ना पैंदा ते सैदे वाले विच मल परिवार ना आउंदा ये ध्यान रख लियो। जे हलाना ना पैंदा आ सैदे वाले मालवे की धरो विच किते गुरु अमरदास महाराज साहब जी के चरण दासी पाहन साहब ना आउंदा जे रौला ना पैंदा तां। ये गुरु ने कृपा की
पता नहीं वह केड़े रंगा ते राजी है। ले जरा सुनियो भलिया पुरशां दियां यादां दुनिया ते रहणगियां। बाबा सचन सच जी आए साल याद किया जाऊ, पर रावण अह रावण निरंतक नू कोई याद नहीं करता। मेघनाथ की कोई वर्सी नहीं मनाउंदा, पंजे पांडवां नू कोई आके धूफ बत्ती नहीं करता। ते जदों याद करदे आ लोग प्रसाद लेके आउंदे बाबे सचन सच जी दे दर ते। लोग सुखना सुखते ने, क्यों सुखते ने? क्योंकि उन्हां दी आत्मा अमर सी। सुनियो जरा तुहाडी सेवा विच तुहाडा अपना जरनैल सिंह सुमन रोड़ी वालियां दा ढाडी जत्था इउं कह रहा। दमा वाले कई बेदाम तुर गए, राम राम कहराइया तू नहीं रहना। राम राम करते कई राम तुर गए, कई सुबह तुर गए, कई शाम तुर गए, शाम शाम करते कई शाम तुर गए।
याम मौत दा पीना हर इक बालों मह जाम पींदे कई सने याम तुर गए मिनट दो तीन वध हो गए खिमा चाहवांगा मैनू ऐसी मैं बाबा जी चले गए हुण स्टेज ते मैं ही जुम्मेवार है बाबा जी आ गए कृपा है बाबा जरनैल सिंह साहब जी का अचेचा तह दिलों धन्नवाद जिन्हां ने टाइम बख्शिया जिन्हां ने गुरु की संगत दे दर्शन कराए बहुत सारिया गुरु की संगत वालों रुपये आए ज्ञानी भान सिंह जी भौरा दे जथे वालों दमड़े आए हरजिंदर सिंह जी नारा वाले उन्हां वालों दमड़े आए गुरु की संगत वालों सौ सौ पंजाह पंजाह रुपये दमड़े आए सब दा तह दिलों धन्नवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सोए सन ज्ञानी जरनैल सिंह जी सुमन जो कि पवित्र इतिहासा राही आप गुरु की सिख संगतां नू निहाल कर रहे सी जथे दी धन्नवादी आ धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज कृपा करन जथे ते वीर प्रयात रखन ते जथा इसे तरह ही गुरु दरबार का जस गायन करता रहे सो हुण अद्धे घंटे वास्ते ज्ञानी केवल सिंह जी मल्ली रत्ते खेड़े वाले उन्हां दा ढाडी जथा आप गुरु की सिख संगत